अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन। बच्चों, आज से आपकी फ़र्स्ट सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आपके इस फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांचेस इंक्लूड हैं और उसके बाद हम देखेंगे कोर्स का टाइटल क्या है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके इस कोर्स का टाइटल है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर बॉन्डिंग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे आपके, उसमें मैक्सिमम मार्क्स का 100 मार्क्स का एक पेपर आएगा आपको, जिसमें जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा थ्योरी वगैरह वो 80 मार्क्स का होगा और जो इंटरनल असेसमेंट होंगे आपके वो 20 मार्क्स के होंगे। तो ये 80 प्लस 20 करके 100 का आपका पूरा पेपर होता है, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो 2.5 आवर होगा, 2.5 घंटे। उसके बाद इस सेमेस्टर में अगर हम देखें तो केमिस्ट्री की दो ब्रांचेस हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सेक्शन बी में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ फिज़िकल केमिस्ट्री इस सेमेस्टर में नहीं पढ़नी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट आप सारे सेमेस्टर में फ़िज़िकल कभी पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इस सेमेस्टर की सिर्फ बात कर रही हूँ कि इस सेमेस्टर में आपको फ़िज़िकल केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, ठीक है। यहाँ पर इनऑर्गेनिक जो पार्ट है, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें 2 यूनिट्स हैं हमारे पास और 2 यूनिट भी अच्छे खासे हैं। उसमें बहुत सारा कंटेंट है जो आपको करना है। नंबर 1 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे कि कितना सारा कंटेंट है, ठीक है, जो हमें करना है। और 2nd है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, ठीक है। उसके बाद बी सेक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है ये है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे इस बहुत इजी है ये, जो चीज़ें आप पढ़ के आए हुए हैं 12th में, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट जो है वो 12th से ही कवर हो जाता है हर चीज़ का, कुछ नई चीज़ें ऐड हैं। तो उसके बाद है हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो मतलब 2 ही यूनिट है हमारे पास, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, एक फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम बोलेंगे GOC, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जैसे रेजोनेंस है, इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है और होमोलिसिस हाइड्रोलिसिस है, क्लीवेज ऑफ कोवलन बॉन्ड। तो ये सब चीज़ें आप करके आए हुए हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें फर्दर एडिशन है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री जो आपने पहले नहीं करी हुई, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री भी काफ़ी बिंदास है, मस्त है, ठीक है। थोड़ी बहुत तो आपने की भी है, तो कुछ नई चीज़ें हैं। तो उसके बाद अब हमें ये समझ आ गया कि 2 केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हम 2 यूनिट करेंगे और ऑर्गेनिक में भी 2 यूनिट है हमारे पास, तो टोटल 4 यूनिट है हमारे पास। उसके बाद नोट फॉर पेपर सेटिंग, तो ये भी थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल असेसमेंट जो है वो 20 मार्क्स का होता है और टाइम ड्यूरेशन उसमें 1 घंटा होता है, 1 आवर, ठीक है। अब इंटरनल असेसमेंट कैसे होती है, इंटरनल असेसमेंट जब आप का 50% सिलेबस हो जाता है, ठीक है, तब होता है। और इसमें क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में कुछ 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 5-10 मार्क्स वहाँ से होगी। और सेक्शन बी में 2 लॉन्ग क्वेश्चन डाले जाते हैं, उसमें से 10 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है 2, और आप उनमें से आपको एक करना होता है, 20 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ भी है। अब जो मैंने बोला सेक्शन ए में आपको 5 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक्चुअली वो 5 करने होते हैं, दिए जाते हैं 8, ठीक है, 8 में से 5 करने होते हैं। और सेक्शन बी में 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं और आपको एक करना होता है 10 मार्क्स का। तो ये तो कहानी थी इंटरनल असेसमेंट की। एक्सटर्नल असेसमेंट जो है, जो एक्सटर्नल एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, वो 80 मार्क्स के होते हैं और टाइम ड्यूरेशन उसमें 2.5 घंटे, 2.5 आवर। तो पेपर में 3 सेक्शंस होती हैं, तब सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी।
सेक्शन ए है जो, उसमें 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और जो होते हैं कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स के, और ये सारे के सारे 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं, तो यहाँ से आपको मिलते हैं 15 मार्क्स। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में भी आपको कुछ नहीं छोड़ना, पूरे के पूरे क्वेश्चंस करने हैं और 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होगा, तो आपको यहाँ पे मिलते हैं 35 मार्क्स, ठीक है। सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी में आपको अच्छे खासे छूट है, वहाँ पर आपको दिए जाएंगे 5 लॉन्ग क्वेश्चंस, जिनमें से उन 5 में से आपको अटेम्प्ट करने हैं कोई 2, 15 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा, तो 30 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर। थैंक यू।